सिरसा से मोबाइल विक्रेता से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिरसा पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल सिरसा पुलिस की माने तो इस मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिरसा के जिन 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर अली मोहम्मद नाम के शख्स के साथ हुई थी, जिसने खुद को अफ्रीका और पाकिस्तान का नागरिक बताया था। हालांकि पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब सिरसा के SD डॉक्टर अर्पित जैन खुद जुट गए हैं और मामले की जानकारी सेंट्रल जांच एजेंसियों को भी दे दी है। ये 3 मार्च को पहला रंगदारी के लिए फ़ोन आया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर था, और बाद में वो पता चला था पाकिस्तान का नंबर है। उसमें हमारी CIA टीम, जो इंस्पेक्टर प्रदीप है उनके नेतृत्व में, हमारी साइबर टीम और सिटी थाने के कुछ मुलाजिमों ने कड़ी मेहनत करके यहाँ के जो 3 लोकल लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। ये लोग एक पाकिस्तानी व्यक्ति के संपर्क में थे और उससे कॉल करवा रहे थे, और पहले 10 लाख रुपए की इन्होंने फिरौती मांगी थी। तो फिर सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के, अपने फुटेजेस लेके और जो भी टेक्निकल इनपुट था, उससे हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि यहीं लोकल अबूब शहर के हैं। तो उनमें से एक का नाम रविंदर, एक का भूपेंद्र और एक निशांत है। तो जो भूपेंद्र था, उसने ये पूरी योजना बनाई थी, और जो निशांत है वो यहाँ पर रेकी करता था। वो पहले यहाँ से पास में ही कोई दुकान है, उसमें कार्य भी करके गया है, और उसने इस मोबाइल शॉप की भी रेकी की थी, यहाँ के फ़ोटो वीडियो भेजता था। तो ये उनका जो है मॉडस ऑपरेंडी था। जो रविंदर है, उसने पहले इनका संपर्क करवाया था जो पाकिस्तानी व्यक्ति है उससे। तो ये पूरा इनका वो था, और ये कोई इनका ऐसी पहली घटना है जो अभी तक इन्होंने पूछताछ में बताया है, पर आगे इनका और भी ऐसी घटनाएं करने की जो है योजना थी। तो वो हमारी CA ने काफ़ी कठिन परिश्रम करके इनको पहले ही अरेस्ट कर लिया, तो कई वारदातें जो हैं ऐसी रुक गई। और बाकी जो इनका विदेशी कनेक्शन है और कुछ अन्य लोग हैं जिनसे इनका यहाँ पर संपर्क रहा है, उनकी भी शीघ्र से शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं, और शीघ्र उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसको जांचा जाएगा, और हर लेवल पे हम अभी अपना इन्फॉर्मेशन भी सेंड करेंगे। ऑलरेडी STF ने भी पूछताछ की है, जो हरियाणा STF की टीम है उसने, और बिल्कुल इसको टॉप मोस्ट लेवल पे, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रख के पूरा इसका जो भी सारे तथ्य हैं उनकी जांच की जाएगी। देखिए, इसमें यहाँ के कुछ फ़ोटो वीडियो थे एक तो दुकान के, तो हमने सारा फिर पूरे उस मार्केट का और आसपास के पूरे CCTV कैमरे देखे कि कौन व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे CIA के मुखबिर हैं, कई गांव के लोग हैं, उन्होंने हमको इस विषय में सूचना दी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बताया कि ये संदेहास्पद लग रहा है कोई व्यक्ति, तो इन दोनों का इसमें रोल था। और बाकी जो भी अन्य भी हमने जो टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस है वो सब इसमें किया था, तो उससे फिर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाए। सिरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रविंद्र, भूपेंद्र और निशांत के रूप में हुई है, जो कि सिरसा जिले के ही अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये तीनों युवक फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी अली मोहम्मद के संपर्क में आए, जिसके बाद इन्होंने इस तरह की कई वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। ये एक पहले फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो मैसेंजर पे पाकिस्तानी लोग भी थे, जो फेसबुक मैसेंजर पे ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ से इनमें से एक व्यक्ति का संपर्क हुआ, जो रविंदर है उसका। फिर जो भूपेंद्र है वो भी उसके जो है कांटेक्ट में था, तो उसकी भी जान पहचान हो गई। तो फिर इन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए और ये व्हाट्सएप पे बात किया करते थे, और बस ऐसे बात करते करते इन्होंने जो है ये योजना बनाई कि यहाँ से हम एक्सटॉर्शन करते हैं, पैसा चला जाएगा, फिर पाकिस्तान वाला जो व्यक्ति वो इनको कुछ पैसा दे देगा। तो वो इनकी योजना थी, ताकि पुलिस इन तक पहुँच ना पाए, और ये कन्फ्यूज़ करना चाहते थे कि विदेशी कॉल आता रहे। वो जो पाकिस्तानी व्यक्ति वो इनसे बोलता था कि मैं अफ्रीका में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, इस प्रकार से। तो इनकी यही योजना थी कि वहाँ से कॉल आता रहेगा और पुलिस उसी में उलझी रहेगी। पर हमारा जो पूरा, हम सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं रहे कि मोबाइल कॉल कहाँ से आ रहा है। इन्होंने सारे अपने जो मुलाजिम हैं हमारे CIA के, हमारे साइबर वाले, वो गांव-गांव गए, लोगों से पूछताछ की, अपनी इन्फॉर्मेशन जुटाई, तो फाइनली इसमें जो लोकल कनेक्शन है वो क्लियर हुआ। बता दें कि बीते 2 मार्च को शहर के द्वारकापुरी में मोबाइल विक्रेता के पास व्हाट्सएप पर विदेशी कॉल आई थी, और इस दौरान मोबाइल विक्रेता से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही साथ रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद सिरसा पुलिस ने गहनता से छानबीन की और इस मामले में शामिल 3 युवकों को न केवल दबोच लिया, बल्कि मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन का भी पर्दाफाश कर दिया। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।